गाइस मम्मा भी बोलती है यार, मम्मा भी मेरे व्लॉग देखती है ना, तो मम्मा भी बोलती है कि सोनू गाड़ी मत भगाया कर, इतनी इतनी मत भगाया कर। और गाइस इधर से सब्सक्राइबर भाई अगर उनके लिए ना भगाई गाड़ी तो फिर उनको मज़ा नहीं आता है व्लॉग देखने में, ठीक है। तो यार उधर मम्मा की बात भी माननी है, इधर तुम्हारी बात भी माननी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी मतलब ऐसे नाराज ना हो बस भाई। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है DTH कोरियर, मैं ही हूँ ना भाई, पहचान लिया मैंने इनको, बोला था कि सर मेरी ऑरेंज कलर की गाड़ी है। तो गाइस अपना बैंड पाइप, गाइस फाइनली भाई अपना बैंड पाइप, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और गाइस उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप कभी भी पता ऑनलाइन वगैरह ऑर्डर करो ना, कहीं से भी करो, तो मुझे अपना बैंड पाइप दिखाया कि भाई मैंने भी अपनी थर्ड जेन के लिए मंगाया तो मेरे को अच्छा लगा, तो भाई मैंने मंगा दिया, ठीक है। और गाइस उस टाइम पर ना तुम्हारा भाई इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मतलब मैंने ना उनसे, उन करोल बाग वाले जो भी थे वो सर लोग, उनसे ना मैंने ट्रैकिंग आई मतलब कुछ मतलब मांगे नहीं सबूत के लिए, कुछ नहीं मांगा। सो गाइज गुड मॉर्निंग, आज की जो व्लॉग है गाइज अपने रूम से स्टार्ट हो रही है। और गाइज पहले तो ना फटाफट से इंट्रो कर देते हैं। सो हे गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल नॉडी निकी। और गाइज इधर इस चीज़ को इग्नोर करना थोड़ा कि थोड़ा बेड शीट वगैरह सारा खराब हो रहा है। और गाइज दिस मेरा हेलमेट है, ठीक है। और गाइज आज ना जो गाइज ये व्लॉग होने वाला है ना, अभी अभी गाइज मेरे को अननोन नंबर से कॉल आया है कि भाई मेरा बैंड पाइप गाइस अपना यहाँ पहुँच चुका है, बस मुझे उसे रिसीव करने के लिए जाना है। और गाइस उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप कभी भी पता ऑनलाइन वगैरह ऑर्डर करो ना, कहीं से भी करो, भाई मेरे को जिस दिन मैंने गाइस 4 या 5 तारीख को जिस दिन मैंने ऑर्डर किया था ना, वो लिंक भी मुझे एक इंस्टाग्राम में एक भाई ने मुझे सेंड की थी कि भाई इससे मंगाओ, जेन्युइन है, ऐसे ऐसे करके चीज़ अच्छी आती है, फिनिशिंग अच्छी है। तो उसने मुझे अपना बैंड पाइप दिखाया कि भाई मैंने भी अपनी थर्ड जेन के लिए मंगाया तो मेरे को अच्छा लगा, तो भाई मैंने मंगा दिया, ठीक है। और गाइस उस टाइम पर ना तुम्हारा भाई इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि मतलब मैंने ना उनसे, उन करोल बाग वाले जो भी थे वो सर लोग, उनसे ना मैंने ट्रैकिंग आई मतलब कुछ मतलब मांगे नहीं सबूत के लिए, कुछ नहीं मांगा, बस मैंने पेमेंट किया, बस इतना पूछा कि सर कितने दिन में मुझे रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो बोला कि 5 to 6 days में आपको रिसीव हो जाएगा, ठीक है। तो आज पूरे पूरे गाइस मतलब आज छठवा कि सातवा दिन है, मे बी मैंने 4 तारीख को किया था, तो आप लगा लेना आज कौन सा दिन चल रहा है, ठीक है। तो भाई मेरे को ना, मैं पता उसी भाई से बात कर रहा था मतलब जो इंस्टाग्राम वाला है ना, मैंने बोला कि भाई ये फ्रॉड हो गया है सारा, भाई मैंने कहा पैसे तो बर्बाद हुए हुए कोई नहीं, बट भाई जो मेरा सबसे बड़ा जो वो था ना सीन, कि भाई मेरा टाइम वेस्ट हो गया, कि मेरे को टाइम से लगाना था भाई, ठीक है, इतने सारे बंदे वेट कर रहे, ये क्या बोलते मफला ला के रखा हुआ, एग्जॉस्ट ला के रखा हुआ, बैंड पाइप का जुगाड़ नहीं हो रहा। तो गाइस फाइनली मेरा भाई बैंड पाइप आया, मैं इतना खुश हुआ ना उस टाइम पर, जैसे मतलब सर का कॉल आया तो उनका 2 बारी कॉल आ गया कि आ नहीं रहे हो, क्योंकि मैं भाई अपना इंट्रो शूट कर रहा था, इंट्रो बैंकर हो ही नहीं रहा। तो कैसे फटाफट से ना यहाँ से निकलता हूँ, ठीक है। और भाई अपना हेलमेट ना एनी टाइम अपने साथ रहता है भाई, ठीक है। और गाइस मैंने ना मेरी टेल टाइडी भी आ चुकी है नीचे नई वाली, तो मैंने उसको भी इंस्टॉल कर दिया, तो उसका भी मैं आपको लुक दिखाता हूँ, बहुत नेक्स्ट लेवल लुक आ रही है। बट एक छोटी मोटी प्रॉब्लम देखो गाइस हो जाती है मेरे साथ, वो मैं चलते नीचे फटाफट से। वैसे ऑलरेडी गाइस बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो मैं आपको थोड़ा सा गाइस यहाँ पे बस अपना टेल दिखाने के लिए रुका हुआ हूँ। तो ये टेल लगा रखी है गाइस मैंने, जो मतलब ये KTM की नहीं है, पता नहीं कौन सी कंपनी की होगी, बट गाइस इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, वो बिल्ड क्वालिटी भाई पूरी ड्यूक 390 जो थर्ड जेन के लिए एकदम मजबूत है काफ़ी, ठीक है। और गाइस इसका क्या सुनो, जो स्टॉक वाली जो हमारी जो स्टॉक की जो एक वो होती है ना वायर होती है पूरी इंडिकेटर, और इसकी जब मैंने स्टॉक वाली टेल टाइडी निकाली थी ना, उसके बाद जब मैंने ये नीचे जो ये बच जाता ना होल, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये होल जब बच जाता है ना, तो मैंने वो तार ने इधर डाल दी, उस टाइम पर मेरी टेल आई नहीं थी, ठीक है। मैं इवनिंग में गाइस मार्केट गया और भाई मेरे को ध्यान ही नहीं आया, वो वायर ना पूरा सेट जो होता है वो पता नहीं कहाँ गिरा भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा, भाई भी व्लॉग देखेगा भाई भी गुस्सा करेगा, तो भाई सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं खोया भाई, वो खो गया, अब मेरे को हरिद्वार से ऑर्डर लगाना पड़ेगा, फिर वो तार आएगी, तो उस वजह से मेरे ये बेचारे इंडिकेटर जल नहीं सकते, मतलब ऐसी एक ही लग रखा है वो, ठीक है। तो गाइस अभी फटाफट से मैं अपनी बाइक को ना कोल्ड स्टार्ट कर देता हूँ और फटाफट से निकलते हैं भाई इधर से। और गाइस अभी ना पता नहीं कुछ दिनों से ना ये बहुत ज़्यादा तेल पी रही है भाई, अभी मैंने कल में इसमें भयंकर 700 का तेल डाला, कल मैं चलाई, अभी 190 आ गया, कल में ये 250 था, अभी 190 आ गया। तो गाइस अब बहुत तेल चूस रही आ रही कुछ दिनों से, और भाई अपनी गाड़ी भी साफ़ नहीं किया, और आज देख रहे हो गाइस धूप कितनी ज़्यादा हो रही है। तो गाइस मैं फटाफट से निकलता था, वैसे भी आज थोड़ा इतना वेदर इतना चिल्ड नहीं है, और वो भैया भी वेट कर रहे हैं, उन्होंने पता 3 बारी कॉल कर दिया मेरे को। गाइस मैं ना पता बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ गाइस, कि मतलब मैं अपनी बाइक के लिए बैंड पाइप भी आ गया है और मफलर तो मेरे पास पड़ा ही है। और गाइस मैं बहुत ही मतलब स्ट्रगल करके ना ये बैंड पाइप हो गया आपका, एग्जॉस्ट हो गया, बहुत स्ट्रगल करके गाइस मैं अपनी बाइक के लिए कर रहा हूँ ये सब चीज़ें, और आपकी डिमांड में भी। तो गाइस प्लीज़ भाई पूरी वीडियो वॉच किया करो भाई, लाइक कमेंट दबा के किया करो,
उन भैया ने कहाँ पे बोला था, गुरु मंदिर ये रहा। देखो कॉल आ गया यार, कॉल आ तो रहा है, किसका आ रहा है कॉल मुझे, तो काना का कॉल आ रहा। हेलो हाँ काना ब्रो, गुरु मंदिर के पास हूँ, गुरु मंदिर के पास हूँ, हाँ मार्केट ही जा रहा था यार। कहाँ मनोज भाई के यहाँ, कहाँ? हाँ ओके ओके ओके, चल ठीक है, मेरे को जरा कोरियर लेने, मेरा बैंड पाइप आ गया ना। हाँ रुक जा, तो गाइस यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है DTH कोरियर, मैं ही हूँ ना भाई, पहचान लिया, मैंने इनको बोला था कि सर मेरी ऑरेंज कलर की गाड़ी है, तो गाइस अपना बैंड पाइप। नमस्ते भैया, भाई मेरे को लगा वो फ्रॉड है जहाँ से मैंने मंगाया, ये करोल बाग से मंगाया ना मैंने, पेमेंट वगैरह कर दी थी, मतलब उस टाइम में इतना एक्साइटेड था कि मतलब मैंने उनसे कुछ मांगा ही नहीं, मतलब ट्रैकिंग मतलब कुछ सबूत ही नहीं मांगा। अच्छा। बस इतना पूछा कि सर कितने दिन में मुझे रिसीव हो जाएगा। अच्छा। और जिस ना भाई ने मुझे लिंक वगैरह सेंड की ना ये, तो भाई मैं उसको आज सुना रहा भी। अच्छा। मैंने कहा भाई ना तो उनका कॉल लग रहा, भाई फोन भी उनका स्विच ऑफ आ रहा है यार। अच्छा। दिक्कत तो ये हो रही, टेंशन ही हो जाती है ना फिर। ये बाइक के लिए वो ये बैंड पाइप एग्जॉस्ट लगाना ना इस पर। हाँ हाँ जी हाँ जी, हो फोन नंबर भी लिखना है, ओके 81930। OTP हाँ हाँ। गाइस फाइनली भाई अपना बैंड पाइप, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, अच्छा तो लग रहा है, बट इसे मैं लेके कहाँ जाऊँ, अब इसे मैं लेके कहाँ जाऊँ, मेरा घर भी सामने है, ज़्यादा दूर नहीं है, क्या करूँ गाइस, इसको इधर ही रख दूँ, कहाँ करूँ क्या करूँ, मैं बैग भी नहीं लाया यार, अब इसका मैं क्या करूँ, कैसे लेके जाऊँ इसको मैं, यहाँ भैंस की ना इसके पुठे के नीचे, हो क्या बोल दिया मैंने। ओ भाई इसके तो ऊपर रख के तो बड़ा, मैं तो बहुत ज़्यादा ऊपर बैठ गया, अबे कहीं बैंड पाए भी ना मुड़ जा रहे। गाइस क्या करूँ मैं, इसको कहाँ रखूँ इसको, मैं एक काम करता हूँ गाइस, पीछे ना साइकिल वाले अंकल जी के पास फेंक के आ जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमने कोटदार से तो गाइस लगाना है नहीं है बैंड पाइप, ठीक है। अभी एक आपको मस्त सी राइड देते हैं भाई मार्केट चल के, क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रखा हूँ भाई, की नाटी भैया वगैरह वगैरह की, भैया आप जब भी ब्लॉग बनाते हो भैया आप गाड़ी भगाते नहीं हो तो मज़ा ही नहीं आता है, तो भाई अब थोड़ा सा तो रहम खाओ, मेरा टायर ऑलमोस्ट पूरा डेड हो गया है भाई, उसकी तारें दिख रही है, अब तो गाड़ी स्किड हो रही भाई, पर फिर भी भाई तुम्हारा भाई भगाएगा भाई। अब मम्मी की बात भी यार समझ में आती है कि गाड़ी मत भगाया कर भाई, अब मम्मी की बात, अंकल जी इसको जरा अपने पास रख दो थोड़ी देर के लिए, ओके अंकल थैंक यू। भाई इतनी सी धूप में क्या गर्म हो गए यार अपनी गाड़ी। तो गाइस मम्मा भी बोलती है यार, मम्मा भी मेरे व्लॉग देखती है ना, तो मम्मा भी बोलती है कि सोनू गाड़ी मत भगाया कर, इतनी इतनी मत भगाया कर। और गाइस इधर से सब्सक्राइबर भाई अगर उनके लिए ना भगाई गाड़ी तो फिर उनको मज़ा नहीं आता है व्लॉग देखने में, ठीक है। तो यार उधर मम्मा की बात भी माननी है, इधर तुम्हारी बात भी माननी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई भी मतलब ऐसे नाराज ना हो बस भाई। ओ ओ भाई देख रहे हो गाइस इसका टायर ना भाई हो रखा है भाई, बहुत ज्यादा स्किट हो रहा है ना, तो उस वजह से ना देख रहे हो भी हो गया था सीन हो गया था, कोई नहीं गलती भाई तुम्हारे भाई की, तो मैं कुछ नहीं बोल सकता ऐसे में। ओ भाई क्या चक्कर है, जो आप छोटे छोटे पत्थर देख रहे हो ना गाइस, इसमें अब टायर इतना डेड हो गया ना, फट फट की आवाज आ रही है, फट फट की, ओ फटे मार दे भाई। गाइस क्या बोलते हो भाई, ये मानती नहीं है ना फिर 390, चाहे वो टायर कैसा भी हो भाई, अपना मॉन्स्टर तो ऐसा है ना, गोली भाई बंदूक से निकली गोली है भाई अभी। अबे देख क्या क्या, क्या बकचोदी कर रहा है, अबे भाई दबा दे साइड दबा दे भैया, अरे भैया ले भाई, ओ भाई पट्टे। गाइस कुछ भी बोलो ये 390 नहीं मानती भाई, ये जो मॉन्स्टर है ना अपना, ये नेक्स्ट लेवल है भाई, एक बार स्टॉप ही चेक करे गाइस, लग तो रहा है मगर डर भी लग रहा है मेरे को।
गाइस अभी ना हम जल्दी जैसे आज तुम्हारे भाई का ना बैंड पाइप, ओ भाई आज तुम्हारा गाइस बैंड पाइप आ गया है, ठीक है। होप कि गाइस अपना बैंड पाइप अच्छा ही होगा भाई, ऐसा ज़्यादा नेगेटिव वे में तो लेना ही नहीं है भाई, उल्टा सोचना ही नहीं है, बस ये सोचना है अच्छा है, वो बुरा भी यार का होगा ना ये सोचना अच्छा है भाई, अब इसे ही लगाना है, ठीक है। तो ये बैंड पाइप हो गया और अपने पास मफलर भी घर पे पड़ा हुआ है, बस गाइस मुझे देहरादून या हरिद्वार में एक बारी KTM शोरूम में कॉल करेगा तुम्हारा भाई, शोरूम में पूछेगा कि भाई अगर वो इंस्टॉल कर देंगे तो ठीक है, नहीं तो गाइस बाहर से मैं अपने फ्रेंड को आज कॉल करूंगा हरिद्वार देहरादून में, जहां भी फिट हो सके, जहां अच्छा मिल जाए फिट वाला, हम गाइस उधर इसको इंस्टॉल करवा देंगे भाई, अपने को गाड़ी पे लगा के मंगता है बस, बाकी तो कुछ ही नहीं भाई, अपने को ऐसा चाहिए ना एकदम प्रोफेशनल चाहिए भाई, बस गाइस 2 दिन 2 डेज बस, मैं कल या परसों में निकल जाऊंगा इसको भाई, इसको इंस्टॉल तो करवाना ही है भाई, कुछ भी हो जाए जो मर्जी हो जाए। ओ भाई ये नहीं मानती भाई अपनी 390 नहीं मानती भाई, अरे ताऊ अल्टो वाले भाई नेक्स्ट लेवल चीज है भाई, अगर मैंने इसको ऐसी सूदते रहा ना अगर मैं 30-40 किलोमीटर, तो इसके एवरेज की ना बैंड बच जाएगी भाई, इसके एवरेज की बैंड बच जाएगी अच्छे से। गाइस मेरे को ना भाई के यहाँ से थोड़े कपड़े भी लेने थे, गाड़ी तो नहीं गिरी की यार, क्योंकि गाइस अपनी जो मैंने यहाँ से ड्रेस ले रखी थी ना वो भाई इधर ही रह गई थी। क्या हाल है सर? अरे वो कहाँ है मेरी पैंट, कहाँ है भेज दी, कहाँ है दो इधर दो, भैन मेरा दिमाग खराब हो गया यार, चलो ठीक है इसके पैसे मैं कर दूंगा, ठीक है आप जी पे कर दूंगा भाई, मेरे को हार्ट अटैक आ गया था भाई, बोल रहा बेच दी यार भाई, मैं अपना ना गाइस मैं बैंड पाइप इसलिए नहीं लाया ना, एक तो बैग रखने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मेरे को, और एक प्लस एक ये हो गया यार, ये दो चीज़ हो गई, क्योंकि इस भाई का कोई भरोसा नहीं है दुकान कब बंद कर देंगे, तो गाइस इसको मुझे इसको ना आगे रखना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं मेरे को धरना पड़ेगा यार दोस्त के यहाँ पे। ओ भाई ये तो छाती में भी नहीं आएगा गाइस, बस तुम्हारे भाई को ना भाई इसमें कमेंट चाहिए भाई दबा के, मैं नहीं जानता भाई कैसे भी चाहिए, बस तुम कमेंट करो भाई, भाई एग्जॉस्ट लगाना है तो भाई देखो कमेंट करने पड़ेंगे गाइस, चाहे जो मर्जी हो जाए।